हेलो हेलो हेलो, सबको राधे राधे। सबका वेलकम हो चुका है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज साफ सफाई चल रही है, थोड़ा सा आराम करने लगे क्योंकि आज कपड़े बहुत ज़्यादा धुले थे, बहुत ज़्यादा कपड़े, मतलब क्या कहूँ, बारिश में भींग चुके थे। तो उन कपड़ों को बारिश में छत पे मतलब रखे थे, तो छत पे जब नीचे मतलब किसी वजह से नीचे गिर गया। अब छत पे जब इतनी ख़राब हो जाती हैं सीढ़ियाँ ना काई की वजह से, तो फिर गए नहीं। अब उसमें ये सारे कपड़े उसी में थे, और ये भी इतना कपड़ा सब नीचे रखा था, अजीब सा महक आ रहा था, तो फिर सारा धुले हैं। हालांकि यूज़ वाला कपड़ा नहीं है, लेकिन जिसको देंगे वो भी साफ सुथरा देंगे तो अच्छा लगेगा ना, गंदा सुंदा नहीं। देव जी गए हैं रामलीला में, आज मेला है हमारे यहाँ गांव का, तो पता नहीं हाथी वाथी आई कि नहीं, चिल्ला तो रही थी कहाँ है, हाथी दिख नहीं रही है अभी। हाथी आती है, दो या तीन आएगी। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट करो। देव है गया है इधर, बोल रहा है आ रहे हैं। देख रहे हैं इधर से ही, छोटू की आज छुट्टी थी, वो छुट्टी थी स्कूल का, सॉरी स्कूल कह रहे हैं, उसका वहाँ का ड्रेस साफ करना था तो साफ किए हैं उसका ड्रेस। इधर क्या दिख रहा है उसको, वो कुछ चिपका है ऐसे, मुझे लगा कि ये देखो पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या चीज है, अजीब सा सिर में दर्द हो रहा है सोने के बाद से। तो अभी थोड़े देर बाद फिर से थोड़ा वीडियो बनेगी, जब मेला के लिए बच्चे तैयार होंगे। मेरे बच्चे इस बार नहीं तैयार होंगे, नहीं जाएंगे, मैंने मना किया है, पर जिनके भी तैयार होंगे उनका वीडियो तो बनना चाहिए ना। दूठ रहली मोबाइल लाइट हो, केठ रहा लगत आवती है। लड्डू बेचारा दिख नहीं रहा है हमको, अभी ना आई नहीं बोलो। शाम हो गया, मेला सारे लोग चले गए, अभी कोई आया नहीं मेला ठेला से। इमरजेंसी के लिए था, फ्रेश। इतना गंदा ये बिस्तर लगती है, देख रहे हैं, सो सो कैसे उठ जाते हैं सब, बड़ा गुस्सा लगता है कभी कभी, क्या करें कैसे कहें। थोड़ा सफाई दफाई से बिस्तर रखना जरूरी होता है ना। अलमारी बहुत गंदी लग रही है,
ऐसे इसको दुरुस्त करें। अपने बाप इतना ही चीन क्या कर रहे हैं जी, कुछ खा रहे हैं क्या? देख क्या है। अरे दिवाली सब अपने घरे मनाई, हाँ छठ पोखरा पे मनाई। छठ 8 तारीख के है ना? सात के देखो ये 10 रुपया है इनका। हवा इसमें निकल गया। क्यों ऐसा लाया कि हवा निकल गया? आज ही कुल काम हो जाए। मेला में कैसा लगा, क्या क्या हुआ है? मजा आया। एक बार देव भैया झूला झूला दे, एक बार वो झूला झूला दे। एक बार कौन झूलाया? देव भैया। और एक बार वो झूला है। शालिनी दीदी। अच्छा शालिनी दीदी भी मिल गई थी क्या? अरे गिर जाओगे बस। गाइस आज यहाँ का मेला ठेला था, ये लोग मेला करके आ गए हैं। देव जी अभी नहीं आए हैं। गैस वाला नहीं है क्या जी? गैस वाला ही था। फैन चलाओगे? गर्मी हो रही है। छोटू बाबा की सेवा में लगे हैं। बाबा कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन आज छोटू का छुट्टी है तो आज दिन भर उन्हीं के पीछे लगा था। देव थोड़ा सा अलग दिमाग का है, लेकिन छोटू मेरा बहुत अच्छा है। एक दिन वीडियो डाले थे, बाबा खुद बोले हैं कि मेरा इस घर में कोई नहीं है, आप लोग सुने ही होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी इंसानों की बात ना बहुत चुभती है। अब तो मैं इनको हर टाइम सोचती हूँ वीडियो में डालूँ, इसलिए कि कुछ दिन पहले लोग कहते थे रोटी नहीं देती है, खाना नहीं देती है। उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि उन लोगों को समझ में आए कि जब ये नौकरी करते थे, इनके पास पैसे थे, तब मैं इनको रोटी नहीं देती थी, तो आज तो इनके पास एक टुकड़ो सीन लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आज मैं कैसे रोटी दे रही हूँ? रोटी भी दे रही हूँ, दवाई की भी व्यवस्था कर रही हूँ, खाने की भी व्यवस्था कर रही हूँ, पहनने की भी, कपड़ा भी धुलती हूँ, लैट्रिन बाथरूम करते हैं तो उसको भी साफ करते हैं। ये हमारा काम है, ये नहीं हम कोई एहसान उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये मेरा धर्म है और मैं उसको निभा रही हूँ। पर लोगों को जो बोलते थे या बोले हैं उनके लिए, हाँ बुरा भला बोलने में तो बहुत अच्छा है बेटा सबको, बस अच्छा ही नहीं दिखती है। अच्छा ही नहीं दिखती है, अपनी बुराई नहीं दिखती है किसी को। वही ना, और नेता इसलिए इतना मैंने बोला, मैं कोई उनको परेशान नहीं करती हूँ, मैं उनकी कर्जदार हूँ तो, और मैं कर्जा उतार नहीं पाऊँगी इस जन्म में। लेकिन इनके बातों का जो और जो समाज हमको थूक रहा था, थूका है, खाना नहीं बनाती थी, ऐसा नहीं करती थी, एक बार अंदर भी आके बैठ के बात करना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। अब वीडियो को बंद करेंगे क्योंकि जितना देर वीडियो चलेगी उतना देर मैं बकूंगी ही। कभी कभी कंट्रोल से बर्दाश्त से बाहर होता है जब सोचने लगती हूँ कि ये गांव, ये समाज मुझे कहाँ पहुँचाया, क्या क्या शब्दों से
मुझको नाम दिया गया, मेरा सम्मान किया गया। अपने लोग भी थे उसमें, 90% तो अपने लोग ही थे उसमें। मैं मुझको कोई बात नहीं, इंसान हूँ तो ये सब होता है, पर इतना बुरा किसी के साथ नहीं होता जितना मेरे साथ हुआ और आज भी हो रहा है। फ़ोन करके पूछते हैं खाना ना मिला था, कैसे खाते हैं, बहुत दुख होता है, कैसे खा रहे हैं, कौन दे रहा है। पर आया नहीं कोई एक टाइम के लिए कि देख तो नहीं आके, तो बंद करते हैं वीडियो। वही है कि जब तक वीडियो चलेगी बक 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 मैं करूँगी। राधे राधे।